आई थिंक लकीली ये मेरी सबसे बेस्ट रिव्यूड फिल्म है एंड ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई थिंक हम सबको यही फीडबैक मिल रहा है। दुबई में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो फिर वापस बॉम्बे आए तो रिलीज़ करने के बाद भी फ्रॉम ऑल एरियाज बीन गेटिंग गुड न्यूज़, हाउस फुल शोज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीम्स मेजॉरिटी ऑडियंस इज़ वेरी सेटिस्फाइड। एकदम सही सेलिब्रेशन है क्योंकि हमारी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव फिल्म थी, हमने फिल्म कुल 10 करोड़ में बनाई है, प्लस उसके ऊपर हमने पब्लिसिटी 7-1 करोड़ की करी है, तो कीपिंग दैट स्ट्रक्चर इन माइंड जितना हमने इस पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगाया तो वी वर एक्सपेक्टिंग दिस साइज ओनली बिकॉज इट्स अ मल्टीप्लेक्स फिल्म, एक साइज और एक ऑडियंस को देख के फिल्म बनाई गई है, तो उस हिसाब से वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, दैट इज द रीज़न फॉर दिस सेलिब्रेशन। वेल दे ऑल लव द फिल्म, दे लव द इनोसेंट कैरेक्टर आई एम प्लेइंग इन द फिल्म, सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। आई एम वेरी एक्साइटेड, द वी हैव शॉट इट ऑलरेडी सो इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड देयर आर सम रियली गुड सॉन्ग्स, आई मीन इट्स टी सीरीज सो देयर सम किलर सॉन्ग्स, सून इज कमिंग आउट। I'm getting some really, really good reviews from the critics, which we're all very terrified of. So I'm glad that I've managed to make the critics happy. Apart from that, the unit, the cast, sabhi log bahut khush hai. And I guess rightfully we're here to celebrate the success of our film because it is a successful film. So we're excited. I think yeah, it's pretty fortunate that we're part of such a great project. Experimental film thi aur ek French film par based film hai, adaptation hai aur kafi unique film hai aur hum dono ki chemistry kafi logon ko pasand aa rahi hai and the best part is film profit kar rahi hai. Dekhiye mujhe wo sab figures ke bare mein mujhe pata nahi hai, mujhe ek cheez mujhe pata hai ki kaam karne mein har ek ko maza aana chahiye aur mujhe bahut maza aaya kaam karne mein, mujhe is aadmi ke sath kaam karne mein bahut maza aaya hai. तो उसी में मुझे यानी कि सक्सेस आई 50% ऑफ माय सक्सेस इज़ दैट ओनली, उसके बाद मुझे ये आई मीन आई एम रियली हैप्पी कि ऑडियंस को भी पसंद आई है। इन द फ्यूचर आई होप टू बी पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आई एम हैप्पी डूइंग एंड आई थिंक बोथ ऑफ अस वांट वर्क दैट वी आर हैप्पी डूइंग एंड वी आर वेरी हैप्पी वर्किंग ऑन दिस मूवी, सो इसलिए मैं खुश हूँ। एज एन आर्टिस्ट यू डोंट नॉर्मली डोंट अंडरस्टैंड कॉमर्स, आपको समझ नहीं आता कि किसने कहाँ कितना कमाया क्या किया, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस से खुश हैं, आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिसिएशन मिल रही है, फिल्म लोगों को एज अ टोटल अच्छी लग रही है, तो आई थिंक दैट्स ग्रेट एंड ऑफ कोर्स इफ कमर्शियली इज डूइंग रियली वेल दैट इज अ चेरी ऑन द टॉप, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। इन फैक्ट हम आगे जाके भी फिल्में ऐसी करना चाहेंगे जो हम कैरेक्टर लेकर अपना जाएं, अपने खुद आयुष्मान कुछ दे यहाँ पर या फिर कुणाल कुछ दे उस कैरेक्टर को, आई थिंक एवरी कैरेक्टर इज पार्ट ऑफ यू।